अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको पेपर लीफ बनाने का तरीका बता रही हूँ। उसके लिए मुझे चाहिए ग्रीन पेपर, सीजर, झाड़ू का तिनका, ये साफ झाड़ू थी इसका मैंने तिनका ले लिया, और जर्मन ग्लू। तो चलते हैं मेकिंग की तरफ। सबसे पहले ये पेपर लिया। पेपर लेने के बाद आपने इस पेपर को पहले ऐसे कर दिया, इसको एक कोने के साथ दूसरा कोना आपने मिलाना है, एक कोने के साथ दूसरा कोना मिला के आपने इसको लीफ की शक्ल में ड्रा करना है। लीफ की शक्ल में ड्रा करने के लिए पहले आपने थोड़ा सा दोनों तरफ से पीस, तकरीबन थोड़ा सा लीफ मैंने ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद मैंने इसकी ये शेप दे दी। अब मैंने इसकी शेप देने के बाद मैंने इसको कट कर लिया। ये देखिए, ये देखें मैंने लीफ की शक्ल में इसको कट कर लिया। और अब नीचे से मैंने दोनों कट लगा दिए। कट लगाने के बाद अब मैं इसको हाफ सेंटीमीटर का निशान लगाऊंगी, हाफ सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगी, हाफ सेंटीमीटर की लाइन नीचे से भी लगाऊंगी और इन दोनों को अटैच कर दूंगी, लाइनों को लाइनों से मिला दूंगी। ये देखें, ये मैंने हाफ सेंटीमीटर की इसके किनारे पे लाइन लगा दी है, इसके बिल्कुल दरमियान में। ये हाफ सेंटीमीटर इधर से होगा, हाफ सेंटीमीटर दूसरे से, इसका मतलब है हाफ और हाफ 1 सेंटीमीटर की लाइन। अब मैं इसके लिए लीव्स को इसी सेंटीमीटर तक कटिंग करूंगी। पहले मैंने ये कटिंग की, इसको कटिंग किया, इसको थोड़ा सा कटिंग किया, उसके बाद फिर मैंने इसको ये देखें ऐसे कटिंग की, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसी तरह मैं इसकी कटिंग करती जाऊंगी। लीजिए व्यूज, ये मैंने सारी कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद मैंने इसको सीधा कर दिया। ये सीधा करने के बाद मैंने ये तिनका लिया, तिनके को मैंने इसके साथ अटैच करना है। तो पहले मैं इसको ग्लू लगा के अटैच कर देती हूँ।
ये मैंने इसको ग्लू लगा दी। मैंने इस पे जर्मन ग्लू लगाई है। ग्लू लगाने के बाद मैंने ये नीचे वाली जो मैंने छोड़ा था इस साइड से, इसको मैंने पहले मैंने इसके साथ अटैच किया इसकी डंडी को, और फिर ऐसे करके दोनों को मिला दिया। लाने के बाद मैं फालतू तिनका मैंने काट दिया। अब ये देखें, एक लाइन मैंने इस तरफ की, एक लाइन को मैंने इस तरफ फोल्ड किया तिरछे रुख, और इसकी ऑपोजिट लाइन को मैंने इसी की ऑपोजिट साइड पे कर दिया। ये देखिए, फिर मैंने इस वाले पेपर को पहले वाले के साथ अटैच किया, फिर सेकंड वाले पेपर को इसके साथ अटैच कर दिया, ये इसके साथ। ये देखिए, एक लीफ इधर जा रहा है, एक लीफ इधर आ रहा है, इसको मैंने इसके साथ अटैच किया, और फिर इसको मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। इसी तरह ही लीजिए व्यूज, तिनके की मदद से मैंने आपको एक और लीफ बनाना सिखा दिया है। ये बहुत इजी है। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें। इसी तरह की मैंने एक और वैरायटी में ये लीव बनाया है। ये लीव की शक्ल में है और ये पतले से तीखे से लीव की शक्ल में है। ये देखें, इसी तरह ये बनेगा। ये बड़े बड़े काटे हुए थे स्ट्रिप्स, इसकी बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स काटी हैं, और एक ये मीडियम साइज़ का ये लीव्स। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।